दोबारा से सत्ता में वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो नहीं आ सकती, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान, उन्हें मुख्यमंत्री वापस नहीं बनाया गया, रमन सिंह को वापस जगह नहीं दी गई, तो यहां पर एक नाम पे तो सीधे विराम लग रहा है। देखिए, ये कहा जाना भी जल्दबाजी हो सकता है, हो सकता है कि वसुंधरा राजे को फिर से मौका मिल जाए, लेकिन जिस तरीके की जो पिछले दिनों जो खबरें आई, जो घटनाक्रम जो सामने आया, उसके बाद में कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के जो नाम के ऊपर फुल स्टॉप सा लग गया है। जिस तरीके की जो चर्चा आई कि विधायकों से मुलाकात हो रही है, विधायकों से वन टू वन जो संवाद हो रहा है, इसके बाद में कहा जा सकता है कि ये जो खबरें जो निकल कर आ रही थी कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हो सकती है, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जिस तरीके की चर्चा आई पिछले दिनों, देखने को मिला कि ओम बिरला हो सकते हैं, ओम माथुर हो सकते हैं, जो गजेंद्र सिंह शेखावत हो सकते हैं, या फिर अश्विनी वैष्णव को प्रमोट किया जा सकता है, किरोड़ी मीणा को मौका मिल सकता है, या बाबा बालकनाथ हो, दिया कुमारी, जिस तरीके के जो नाम सामने निकल कर आए, कहीं ना कहीं इन नामों के अलावा भी ऐसा कोई नाम हो सकता है जो राजस्थान का नया मुख्यमंत्री हो सकता हो। देखिए, इस तरीके के जो कयास है, जो चर्चाएं हैं, उनके ऊपर कहा जा सकता है कि आज शाम तक जो है विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद में विराम लगना तय है और राजस्थान को एक मुख्यमंत्री मिल जाएगा। संभवतः राजस्थान के अंदर भी जो बीजेपी आलाकमान है वो कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता को चौंका सकता है, और ऐसा नाम होगा जिसमें तमाम तरीके के जो समावेश हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो लोकसभा के जो चुनाव है जो 5 महीने बाद में होने हैं, उसके अंदर बीजेपी को फायदा मिल सके, राजस्थान की जो जनता हो वो कहा जा सके कि उसके ऊपर सहमत नजर आए, उसमें जातिगत समीकरण की बात की जाए, विधायकों की जो मंशा है वो बात की जाए, जो बीजेपी जो आलाकमान है उनके, कहा जा सकता है कि उनके सिद्धांतों के ऊपर खरा उतर सके, ऐसा नाम हो सकता है। और ऐसा नाम कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जो जनता है उसे चौंकाने के लिए इस तरीके के जो कहा जा सकता है कि जो प्रयास यहां पर करते हुए नजर आते हैं, संभवतः राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिले ममता। ठीक है रोशन, आप बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता सौरभ इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। सौरभ, देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। कैसी हलचल है और क्या विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है जयपुर में, क्योंकि उन सबको न्योता दिया गया है आज के विधायक दल की बैठक के लिए? ये हलचल जो है वो काफी बड़ी हुई इस लिहाज से है क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, उसके बाद राजस्थान के जो बीजेपी के 115 विधायक हैं, उन तमाम विधायकों में एक अलग सी धड़कने जो है वो उनकी बड़ी हुई है, क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी विधायक को ही जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और अभी तक केंद्रीय आलाकमान ने किसी को भी जो है वो मैसेज नहीं दिया है। बताया जाता है कि 2 घंटे पहले, विधायक दल की बैठक से 2 घंटे पहले उस नेता को जो मुख्यमंत्री होगा संभवतः से संकेत या सूचनाएं जो है वो दी जाएंगी। ऐसे में तमाम जो विधायक हैं वो अब सभी की धड़कने इस लिहाज से बढ़ी हुई कि कहीं उनका नंबर ना आ जाए। हालांकि तमाम विधायकों को कल ही सूचना दे दी गई थी, ज्यादातर विधायक जयपुर जो है वो पहुंच चुके हैं और जो दूरस्थ इलाकों के हैं वो भी जो है वो सुबह 11 बजे तक जयपुर पहुंच जाएंगे और 1:30 बजे तक उन्हें बीजेपी प्रदेश कार्यालय जो है वो पहुंचना है। जी बिल्कुल सौरभ, देखिए क्या विधायकों के साथ 1-to-1 होगा या फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो एक लाइन में प्रस्ताव रखा गया, क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम तुरंत ऐलान कर दिया गया, क्या यही राजस्थान में भी होगा, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए यही राजस्थान में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी, क्योंकि आलाकमान जो है कि पर्यवेक्षक आएंगे वो सुबह 12:00 बजे तक जयपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद माना जा रहा है कि शाम 4 बजे तक राजनाथ सिंह जो है वो एक होटल में ही ठहरेंगे। शाम 4 बजे जो है वो विधायक दल की बैठक के लिए पहुंचेंगे और वहां पर नाम का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। हालांकि उससे पहले अनौपचारिक मुलाकात जो है वो जरूर होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि सिर्फ जो विधायक कहेंगे वो होगा, बल्कि वो होगा वो जो केंद्रीय आलाकमान चाहता है। ठीक है, दो उपमुख्यमंत्री सौरभ, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तक हमने दो राज्यों में देख लिया है कि दो उपमुख्यमंत्री हो रहे हैं, लेकिन अगर ये फॉर्मूला राजस्थान में भी होगा तो राजस्थान में कुछ और चीजों का परिवर्तन हो जाएगा। इससे पहले 2 उपमुख्यमंत्री नहीं बने थे? जी बिल्कुल, राजस्थान में पिछली बार एक डिप्टी सीएम जो है वो बनाया गया था, लेकिन 2 उपमुख्यमंत्री बने नहीं थे, लेकिन
में दो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। इसके पीछे जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश जो है वो ये सामान्य वर्ग से अगर कोई मुख्यमंत्री होता है तो मान लीजिएगा कि कोई एससी वर्ग का और कोई एसटी वर्ग का शख्स जो है वो उप मुख्यमंत्री जो है वो हो सकता है, और बाकी जो मंत्रिमंडल में लोग होंगे वो अलग अलग जातियों के और क्षेत्रों के लोगों को प्रतिनिधित्व जो है वो दिया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा को जो है वो डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और सामान्य वर्ग के खाते में जो है वो मुख्यमंत्री का पद आ सकता है। जी ठीक है सौरभ, क्या आज ही जो कैबिनेट में किन किन लोगों को शामिल किया जाएगा उसके लिए भी आज चर्चा होगी? नहीं, उनके लिए आज चर्चा नहीं होगी। आज सिर्फ चर्चा होगी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा, आज डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान होगा, और फिर ये संभवतः प्रदेश संगठन पर छोड़ दिया जाएगा कि आप तय करिए कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा। तो जब शपथ ग्रहण पार होगा उससे पहले जो है वो संभवतः मंत्रिमंडल के नामों का ऐलान भी हो जाएगा, और 15 दिसंबर तक राजस्थान में नई सरकार जो है वो स्वरूप में आ जाएगी। जी ठीक है सौरभ, आप बने रहिए और रोशन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोशन देखिए, आज विधायक पहुंचने लग गई होंगे जयपुर में, और क्योंकि विधायकों को भी ये समझ नहीं आ रहा होगा कि कहीं हमारा ही नाम तो मुख्यमंत्री के लिए सामने नहीं आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा था मध्य प्रदेश में जब सीएम का नाम अनाउंस किया था तो सीएम खुद शॉक हो गए थे कि क्या मैं अगला मुख्यमंत्री हूँ। जी बिल्कुल, देखिए कि जो मोहन जो यादव है उन्होंने सोचा नहीं होगा कि वो मध्य प्रदेश के नए जो मुख्यमंत्री होंगे, ऐसे कहीं ना कहीं राजस्थान में भी ये जो चौंका सकते हैं। कल जैसे ही विधायकों के पास कल दोपहर से फोन पहुंचना शुरू हुए कि जो मंगलवार को शाम 4 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर विधायक दल की बैठक है उसमें शामिल होना है, कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो विधायक हैं वो पहुंचना शुरू हो गए। लगभग कहा जा सकता है कि 70 के जो करीब जो विधायक हैं वो जयपुर पहुंच चुके हैं, तमाम जो होटल्स हैं वहां पर रुके हुए हैं। अब जो विधायकों में आपस जो चर्चा जिस तरीके की चल रही है, ऐसे में कहा जा सकता है कि ऐसा कोई भी नाम हो सकता है, ऐसा वो चेहरा जो हो सकता है जिसे बीजेपी जो आलाकमान चाहेगा उस चेहरे के ऊपर मुहर लग सकती है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान में अभी भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, जो बाजार है वो कहीं ना कहीं गर्म नजर आ रहा है। ऐसे में आज शाम होने तक कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री का जो नाम है उसका ऐलान हो जाएगा, तमाम जो सवाल हैं उनके ऊपर विराम लगता हुआ नजर आएगा। ममता ठीक है, सौरभ और रोशन आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल क्योंकि इंतजार है कि आखिर कब मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट होगा, और बस बहुत कम घंटे बचे हुए हैं और उसके बाद राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। सरकार बनने के करीब 9 दिन बाद यानी आज राजस्थान में नए सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। आज तीनों पर्यवेक्षक जयपुर पहुंच रहे हैं और जहां विधायक दल की बैठक के बाद बड़ी घोषणा हो सकती है। राजस्थान को मिलेगा नया सीएम, विधायक दल की बैठक के बाद ऐलान। पिछले करीब 9 दिन से राजस्थान की सियासी गलियारों में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा है। सूबे के आखिरी कोने में बैठा व्यक्ति अपना मुख्यमंत्री ढूंढ रहा है कि सीएम कौन होगा और कब तक इसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके की खबरें अब सामने आ रही हैं उसके मुताबिक सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि ये साफ हो चुका है। होने वाली बैठक से पहले बीजेपी दफ्तर में गहमा गहमी का माहौल है। विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के लिए फोन किए जा रहे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक के बाद सीएम के साथ साथ दो डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान हो सकता है। देखिए, पीड़ा समाप्ति की ओर है, दिनों की दूरियां घंटों में सिमट चुकी है। आलाकमान के हमारे दूत देश के रक्षा मंत्री जी जल्दी आएंगे और जल्दी निर्णय हो जाएगा, इस प्रकार की मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, जनता ने जिसको ठुकराया उसका कोई अधिकार नहीं कि मुझे कोई नई जिम्मेवारी दे, मुझे जिस तरह की भूमिका में पार्टी रखेगी उसी तरह की भूमिका को। किरोड़ी लाल जी की बात से मैं सहमति व्यक्त करता हूँ। कोई किसी जब हम वोट लेते हैं दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नाम से, उनकी सरकार के गरीब कल्याण के नाम से, उन वो चेहरा ही हमारा सबसे बड़ा चेहरा है, तो उसके बाद भी कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरे चेहरे से
किसी को मत मिले, ये मुगालते में जरूर रह सकता है पर ये सच्चाई। होने वाली विधायक दल की बैठक से पहले जो कार्यक्रम तय किए गए हैं उन पर गौर करें। पर्यवेक्षक विधायकों से अनौपचारिक मीटिंग करेंगे। लंच के बाद विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में विधायकों के साथ चर्चा की जाएगी। बैठक के बाद फैसले की घोषणा की जाएगी। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको 10 बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे।